नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और मिशन शक्ति के अंतर्गत आज चैनल के माध्यम से बात करेंगे मैथिली अप्पलवार की, जिन्होंने खेतों में कृत्रिम तालाब से किसानों की आय में बढ़ोतरी की। मैं मुंबई की रहने वाली हूं। मैंने अमेरिका के एक कॉलेज से उच्च शिक्षा हासिल की। एक शोध परियोजना पर काम करने के लिए मुझे महाराष्ट्र के ही यवतमाल क्षेत्र में जाने का मौका मिला। जब मैं वहां गई तो देखा कि अब तक जितनी दुनिया मेरे इर्द गिर्द थी उससे ये बिल्कुल अलग थी। पहली बार मैं किसानों के बीच रहकर उनकी परेशानियों को देख समझ रही थी। मुझे लगा कि विदेश जाकर नौकरी करने से बेहतर है कि यहाँ लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं के समाधान खोजे जाएँ। मैंने ठान लिया कि किसानों के लिए खेतों में इस्तेमाल होने वाले तकनीकों को सस्ते उपलब्ध कराने का काम करेंगे। खेतों में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों को सस्ते में उपलब्ध कराने का काम करूंगी। यवतमाल में मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है। पानी को सहेज कर रखने के लिए किसानों के पास कोई सस्ता साधन नहीं। तब मैंने उनके लिए कृत्रिम तालाब बनाने का विचार किया। इस तरह अपने स्टार्टअप के माध्यम से मैं किसानों के लिए सस्ते और टिकाऊ तालाब बनाने पर काम करने लगी। मैंने किसानों के खेत में ही तालाब बनाने का विचार किया ताकि वे सिंचाई के साथ आर्थिक मजबूती के लिए मछली पालन या मोती उत्पादन जैसे काम भी कर सकें। मैंने पूरे क्षेत्र में सैकड़ों तालाबों का निर्माण करवाया। इससे न सिर्फ फसल को जल सुरक्षा मिली बल्कि मछली मोती उत्पादन से किसानों की आय में दोगुनी वृद्धि हुई। जल संचय मॉडल है क्या? हमने खेतों के बीच बनाए जाने वाले कृत्रिम तालाब का जल संचय के नाम से मॉडल लॉन्च किया। इसमें किसानों के खेत में ही सबसे पहले एक बड़ा गड्ढा खोदा जाता है और फिर इसमें एक खास पॉलीमर सीट बिछाई जाती है। यह तालाब बारिश के पानी के नहर नदियों से आने वाले अतिरिक्त पानी को इकट्ठा करके रखता है जिसे बाद में सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। एक बार निवेश करना है। फिलहाल जिस आकार का तालाब बना रहे ये करीब 5 एकड़ ज़मीन की सिंचाई के लिए पानी सहेजता है। इसकी लागत तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए तक होती है। एक बार किया गया ये निवेश किसानों की आय में कई दरवाजे खोलता है। हमने अलग अलग राज्यों में तकरीबन 10,000 जल संचय तालाब बनाए हैं जिनसे किसानों को लाभ मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैथिली अप्पलवार को, जिन्होंने अपने प्रयासों से किसानों की मदद की, उन्हें नए आर्थिक संसाधन जुटाने में उनकी सहायता की।